कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए महादेव। आपत्ति नहीं है प्रजापति, किंतु आप मुझे ये समझाइए, आपका ये रूप धारण करना मेरे लिए अनिवार्य क्यों है? क्यों आपके नियम, आपकी ये विधि मुझे मेरे स्वरूप में स्वीकार नहीं कर सकती? क्योंकि यज्ञ देवी देवताओं और ईश्वर को पसंद करने का माध्यम है। यदि इस कार्य में मन पवित्र नहीं, वातावरण पवित्र नहीं है, तो हम उन्हें प्रसन्न करने की बजाय रुष्ट कर देंगे। यदि मन स्वच्छ हो तो तन की स्वच्छता का कोई महत्व तो नहीं होता। शिक्षा हो रही है कि आपकी बात मान, परंतु मुझे ये भय है, यदि आपकी ये बात मिथ्या निकली तो जीवन भर का अर्जित ये पुण्य वहीं समाप्त हो जाएगा। आप यहां पधार चुके, परंतु मेरी आपसे एक विनती है कि आप इस यज्ञ कुंड से दूर वहां आपके बैठने का एक विशेष प्रबंध करवा देता हूं। यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए यज्ञ के पास रहना आवश्यक नहीं है प्रजापति। मैं दूर रहकर भी आपके यज्ञ से जुड़ा रहूंगा।